तो हेलो दोस्तों, आज बताऊंगा आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन क्या होता है और कैसे ये भरा जाता है। दोस्तों, आपके पास अपने अपने फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल, जो भी आपने अच्छी तरह से काम किया, अच्छी तरह से उसमें पोस्ट किया, वीडियो अपलोड की है और आपने मान लो रील भी बनाई है, तो उसके बाद हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है। उसके बाद हमें कुछ टूल मिलते हैं, तो टूल को जैसे ही हम सेटअप करेंगे उसके लिए मांगेगा हमारे पास, हमें मांगेगा टैक्स इन्फॉर्मेशन, जो कि हमें नहीं पता है टैक्स इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ये कैसे भरा जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कैसे आपको ये फिल करना है। तो दोस्तों, मैंने अपने यहाँ पर फेसबुक का विंडो चलो चालू कर लिया है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करना है आपको। तो चलिए हम यहाँ पे करेंगे सेटअप पे आउट अकाउंट, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे। हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको आएगी लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक, आपको शुरुआत से ही आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा, शुरुआत से ही आपको भरवाना पड़ेगा। मतलब मैंने तो फिल कर रखा है टैक्स इन्फॉर्मेशन तक मैंने फिल कर रखा है फॉर्म, लेकिन फिर भी आपको मैं दिखाने के लिए बैक कर रहा है। तो चलिए हम जाएंगे इस पर और कुछ नहीं करना है हमें, आपको जाना है पहले नेक्स्ट करना है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा प्रोसेस लेगा ये, इसका यहाँ पे आपको देना है इंडिविजुअल। आपको कुछ नहीं करना, केवल यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, इसके बाद आपको इंडिविजुअल करना है। इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट, और नेक्स्ट के करने के बाद थोड़ा सा और सेटअप, एक नया टूल आएगा, इंटर योर इन्फॉर्मेशन, नया एक इन्फॉर्मेशन वो आया है, इंटर आपको योर, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। तो देखिए, हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो आपको नाम भी देना, नाम देना, आपको एड्रेस देना, आपको डेट ऑफ बर्थ देनी है, सिटी है, आप कौन से स्टेट से हो, आप पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आपको इस जो भी आपको ये मतलब जो मांगे वो आपको फिल करना है। इसके बाद हमें देना है यहाँ से पैन नंबर, तो पैन नंबर चलिए मैं दे देता हूँ। तो भाई मैं देता हूँ अपना पैन नंबर, तो मैंने पैन नंबर अपना भर दिया है। तो चलिए पेन नंबर भर गया मेरा, यहाँ से करेंगे आप नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद एक नया टूल आएगा, जो आपको दिखा दूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर आता है चूज हाउ इन द लिंक इन द गेट पेड, आपको किस में पैसा चाहिए। देखिए मैंने अभी यहाँ पर मैंने केवल एक बैंक लगाई है, वो मेरी PNB, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक मैंने इसका अकाउंट लगा दिया है। अगर आपके पास कोई और बैंक है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अदर जो भी है, यहाँ पर जो आपको खाली जगह दी रही है यहाँ पर, वो आपको सब अकाउंट शो करेंगे भाई, ठीक है। तो मैं करूँगा सिंपल, इस पर क्लिक कर दूँगा, भैया मेरा यही एक है तो इसी में लेना चाहूँगा जो भी कमाई होगी मेरी। तो चलिए मैं कर रहा हूँ और ये घूम रहा है अपना प्रोसेस पूरा। अब यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है, यहाँ पे ऐड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, वो तो आपका एड्रेस हो गया, ये हो गया, मतलब दुनिया भर का हो गया। यहाँ पर आता है मेन पॉइंट, आता है टैक्स इन्फॉर्मेशन, वो हम कैसे भरें, जो हम टैक्स कैसे देंगे हम। तो यहाँ से हम चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो हमने स्टार्ट के लिए आपको करना है, आपको क्लिक करना है, इसके बाद आपको फिर करना है कंटिन्यू, और इसके बाद आपको फिर करना है कंटिन्यू। दोस्तों एक बात मैं आपको बहुत बता दूं, आपको एक बात बता दूं मैं दोस्तों, क्या होता है, बहुत से फ़ोन ऐसे होते हैं जिनमें हम अगर फेसबुक से ही करेंगे तो फेसबुक से उसमें नहीं होगा, आपको किसी क्रोम जाना पड़ेगा या कोई और कोई वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, यहाँ से अपनी आईडी को लॉगिन करके आप वो कर सकते हो, लेकिन हमारा इसी ने कर दिया है। तो चलिए हम इसी पर करते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पर करेंगे हम नो, और नो करके हो रहे हैं, आपको बता दूँ यहाँ पर ये दे रखा है भाई, ये बता रहा है क्या आप US की सिटीजन से मतलब आपने ले रखी है या आप ग्रीन कार्ड होल्डर हो, तो भैया हमें इसमें से कोई नहीं, तो हम करेंगे नो। इसके बाद हम फिर यहाँ पर नो करेंगे, यहाँ पर नो क्यों कर रहे हैं भाई, ये कह रहा है कोई आपको विदेश से कोई मतलब कोई कमाने वाला है, कोई सैलरी वगैरह कोई कुछ नहीं है भैया। फिर यहाँ से आपको यहाँ पर ऊपर आपको फुल नेम देना है, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा हो फुल नेम देना, आपको मेरा फुल नेम है तो मैंने मतलब ऑलरेडी आ रखा है मेरा। तो हम जाएंगे सीधे इसमें जाएंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, तो हम करेंगे अपनी कंट्री सेलेक्ट, कंट्री भैया कहाँ है हमारी, हम करेंगे भैया इंडिया को, इंडिया भैया कहाँ, इंडिया इतनी बड़ी इंडिया नहीं दिख रही, क्या बात है, ये लो हमने इंडिया भर दिया इसमें। और यहाँ पर मेन पॉइंट और है, आपको यहाँ पर देखना आई हैव ए नन US टिन, हमारे पास कोई US की टिन नहीं है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपके पास कोई है तो आप नीचे वाले पे इस पर क्लिक करें और वो मांगेगा आपको उसमें भर देना है, तो मेरे पास नहीं है, तो चलिए मैं सिंपल इस पर करता हूँ नेक्स्ट, ठीक है, अगले क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर आता है आपको परमानेंट एड्रेस, हमारा सेम है, कोई दिक्कत नहीं, हम इस पर फिर कर देंगे नेक्स्ट, और यहाँ पर हमारा फिर निकल के आ जाएगा भैया, ये जो मेन हेडिंग होती है ना वो निकल के आ जाएगी। यहाँ पर ये देखिए हमारा सेम परमानेंट एड्रेस आ चुका है,
और जो हमारा भरा है हमने दोनों एड्रेस हमारे सेम हो गए इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद हम कर देंगे भैया नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद एक और बात है, आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे भाई, आपको देखने के क्या है क्या नहीं है। तो आपको सबसे पहले करना है जीरो पर भाई, इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो सिंपली आपको करना है 0% पर, और 0% पर करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट, ठीक है जीरो। और यहाँ से फिर आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है अपनी, तो चलिए मैं एक बार फिर इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो भाई चलो मैं करता हूँ एक बार फिर इंडिया को सिलेक्ट, जी एच एच के बाद आई आएगी, आई आ गई मतलब इंडिया आ गई। इंडिया देख हमारा ये हमने जो फिल किया है वो हमारा ग्रीन ग्रीन आया, मतलब आपको देखा होगा जब कोई ग्रीन आता है तो हमारा काम सही होता है, मतलब हमने सही मेथड से अपना काम किया है। तो इस पर करेंगे हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। एक बार फिर हम नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। आई सर्टिफाई मतलब आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको सिग्नेचर इधर टाइप फुल नेम, आपको जो पैन कार्ड में आपका जो नेम है आपको वो देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पैन कार्ड में वो देता हूँ, तो मेरा पैन कार्ड में नाम है भैया यतेंद्र कुमार, ठीक है, यादव नहीं कुमार है। तो चलिए मैं इसमें देता हूँ कुमार, और यतेंद्र कुमार हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें करना है नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर लिया है, ठीक, वेरी गुड। आपको यहाँ पर दिखाएगा आपको कोई कमी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से अभी भी आप बैक कर सकते हो, अगर आपको कोई जानकारी आपने मिस करी है, मिस जानकारी है, तो आप वो दोबारा भी चेंजिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरा तरह से पूरा आपका फॉर्म दिखा दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको करना सबमिट फॉर्म आपका। अब पूरी तरह से यहाँ पर ये पूरी तरह से आपका फॉर्म जो है वो भर चुका है भाई हमारी नज़रों में। तो आपको करना है सबमिट भाई, जब तक सबमिट नहीं करो तो कुछ क्या होगा, आप 1000 फॉर्म ला के भर के रख लो, जब तक आप बैंक में जमा नहीं करोगे आपका अकाउंट खुलेगा नहीं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको यहाँ पर एक नया पेज दिख रहा होगा, अच्छा काफ़ी जानकारी है, आप इसे पढ़ भी सकते हो, लेकिन आपको अगर PDF मतलब PDF अगर आपको PDF में चाहिए तो PDF देख सकते हो, लेकिन हमें कुछ नहीं करना, हमें करना है भैया डन। सिंपली क्या करना है हमें डन, क्योंकि हमारा पूरा बन चुका है, आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या आता है इसके बाद, क्या नहीं आता है। सक्सेसफुली सबमिट हो गया हमारा। एक बार हम बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद थोड़ा हम रीप्रेस करेंगे, तो रीप्रेस करेंगे तो ग्रोथ, और इसके बाद जाएंगे मोनेटाइजेशन, तो मोनेटाइजेशन में थोड़ा हाँ यहाँ पर देखिए आप हमारा थोड़ा और दिखा दूँ मैं आपको CL, तो CL पर जाएंगे हम, शेयर यू आर अर्निंग द होल्ड, मतलब जो हमारी अर्निंग है वो होल्ड पे है भैया अभी, क्योंकि हमारी कोई अभी अर्निंग नहीं हुई है। तो इसी तरह से आपको फॉर्म अपना फिल करना है। जानकारी कैसी लगी प्लीज़ अच्छी लगी तो कमेंट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।